गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 13 है। लास्ट वाली क्लास में हमने दिल्ली मेट्रो के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली मेट्रो जो है वो दिल्ली का गर्व है और उसमें पैसेंजर की सेफ्टी का और उसके आराम का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और दिल्ली मेट्रो अपने आसपास के क्षेत्र गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद से भी कनेक्टेड है। और ये जो मेट्रो है वो सेफ़ है और बहुत तेज़ी से चलती है, और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर हर दूसरे तीसरे मिनट में एक मेट्रो आती है, और जहाँ पर थोड़ी कम होती है वहाँ पर 5 से 10 मिनट में एक मेट्रो आती है। और ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात की 11 बजे तक चलती है। और इसका किराया भी बहुत सस्ता है, 8 रुपये से 30 रुपये के बीच में इसका किराया होता है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। द क्रेडिट फॉर गिविंग डिलीवरीज दिस अल्ट्रा मॉडर्न मोड ऑफ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट गोज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TMRC मिस्टर ई श्रीधरन एंड हिज डेडिकेटेड टीम। यानी कि दिल्ली वासियों के लिए ये जो आधुनिक बड़े पैमाने पर परिवहन के बड़े पैमाने पर आधुनिक रूप से जो भी प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, यानी कि दिल्ली मेट्रो की जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, उसका श्रेय मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर ई श्रीधरन और उनके टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मेट्रो बनाना दिल्ली में स्टार्ट करवाया था, उसके लिए बिल पास करवाया था। मिस्टर इलातुवल्लपिल श्रीधरन इज प्रोबेबली नोन एज द मेट्रो मैन। यानी कि ई का मतलब है इलातुवल्लपिल, श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ही वॉज बॉर्न ऑन July 12, 1932 इन पलघर डिस्ट्रिक्ट इन कैलरा। यानी कि इनका जन्म कैलरा के पलघर डिस्ट्रिक्ट में 12 जुलाई 1932 को हुआ था। ही ग्रेजुएटेड एज एन इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कालिंगदा। यानी कि इन्होंने कालिंगदा से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। आफ्टर अ शॉर्ट टर्नू यानी कि कुछ ब्रेक के दौरान एज अ लेक्चरर एट द केरला पॉलिटेक्निक इन कोझिकोड एंड अ ईयर एट द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एज एन एप्रेंटिस ही ज्वाइन द इंडियन रेलवे। यानी कि कुछ समय के लिए ये कोझिकोड़े के केरला पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर लेक्चरर भी रहे थे, वहाँ पर उन्होंने लेक्चर भी पढ़ाया था, मतलब लेक्चर दिया था। और एक साल के लिए ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में एक शिक्षु भी रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंडिया की रेलवे ज्वाइन कर ली थी, इंडियन रेलवे ज्वाइन कर ली थी। द साइन ऑफ हिज डायनामिक एबिलिटीज वर क्लियरली विजिबल देयर। यानी कि उनकी गतिशील क्षमताएं के जो संकेत है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट असाइनमेंट इन द साउथर्न रेलवे एज अ यंगर प्रोविजनल असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन 1963 में इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि जो दक्षिणी हमारी रेलवे है वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक असाइनमेंट भी बनाया था। किसके ऊपर? रेलवे के ऊपर एक असाइनमेंट भी बनाया था। अ ह्यूज टीवल वे वॉज्ड अवे पार्ट ऑफ पंबन ब्रिज दैट कनेक्टेड रामेश्वरम टू द मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु का जो मुख्य क्षेत्र था उसमें, तमिलनाडु का जो मुख्य क्षेत्र था जो रामेश्वरम से कनेक्टेड था, उससे जुड़ा हुआ था, उसमें जो पंबन ब्रिज था उसमें एक ज्वार की लहर आई थी और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। यानी कि इन्होंने जो एक रेलवे का प्रोजेक्ट बनाया था, एक असाइनमेंट बनाया था, उसको धो डाला था। यानी कि ऐसी एक सुनामी सी लहर सी आई थी जिसने वो सारा कुछ नष्ट कर दिया था। श्रीधरन रीस्टोर द ब्रिज इन 46 डेज। श्रीधरन ने 46 दिनों में इस ब्रिज को दोबारा बनाने का निश्चय किया। द रेलवे मिनिस्टर अवार्ड वॉज गिविंग टू हिम फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट। यानी कि रेलवे मिनिस्टर अवार्ड उन्हें
उनकी इन महान उपलब्धियों पर दिया गया था। ग्रेट अचीवमेंट मतलब महान उपलब्धियों, महान उपलब्धियों पर उन्हें एक रेलवे मिनिस्टर अवार्ड भी दिया गया था। इन 1970 यानी कि 1970 में एज द डिप्यूटी चीफ इंजीनियरिंग, 1970 में डिप्यूटी चीफ इंजीनियरिंग इंजीनियर ही वॉज पुट इन चार्ज ऑफ कलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट। यानी कि 1970 में डिप्टी चीफ इंजीनियर ने इन्हें कलकत्ता में मेट्रो बनाने का पहला प्रोजेक्ट इन्हें दिया। द फर्स्ट एवर मेट्रो इन इंडिया, जो इंडिया में पहली मेट्रो थी, इंडिया की पहली मेट्रो थी कलकत्ता की मेट्रो, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन्हें दिया गया। आफ्टर डिस्टिंग्यूस करियर यानी कि अपने बहुत अच्छे करियर में ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन रेलवे इन 1990, यानी कि 1990 में इंडियन रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए। रिटायर मतलब सेवानिवृत्त हो जाना।